विशेष सत्र को लेकर विपक्ष भी जोरदार तैयारी करने लगा है। इसको लेकर बीते दिन बैठक हुई और मुद्दों पर चर्चा की गई। विपक्ष लगातार सरकार से इस सत्र के एजेंडा को लेकर मांग कर रहा है। अब इसको लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें स्पेशल सत्र का एजेंडा पूछा है। चलिए बताते हैं आपको क्या कुछ लिखा सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में बताया कि विपक्ष को विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आमतौर पर विशेष सत्र से पहले बातचीत होती है और आम सहमति बनाई जाती है। इसका एजेंडा भी पहले से तय होता है और सहमति बनाने की कोशिश होती है। ये पहली बार है कि कोई बैठक बुलाई जा रही है और एजेंडा तक तय नहीं है, न ही सहमति की कोशिश की गई है। सोनिया ने कहा कि इस विशेष सत्र के पांचों दिन सरकारी बिजनेस के लिए एलोकेट किए गए हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें कि उन्होंने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में 9 मुद्दे भी उठाए हैं। इनमें महंगाई, एमएसएमई, बेरोजगारी, किसानों की मांग, अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग, जातीय जनगणना। अब सोनिया गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में जान लेते हैं। आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों, बढ़ती बेरोजगारी, असमानताओं में वृद्धि और एमएसएमई के संकट पर ध्यान केंद्रित करने वाली वर्तमान आर्थिक स्थिति, एमएसपी को लेकर सरकार द्वारा किसान और किसान संगठनों के लिए किए गए वादे, अडानी समूह पर खुलासे की जांच के लिए जेपीसी जांच, मणिपुर के लोगों की पीड़ा और राज्य में संवैधानिक तंत्र और सामाजिक सद्भाव का टूटना, हरियाणा जैसे राज्यों में सांप्रदायिक तनाव, चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र पर कब्जा जारी रखा गया और लद्दाख अरुणाचल प्रदेश में हमारी सीमाओं पर हमारी संप्रभुता को चुनौती दी गई, जातीय जनगणना की अर्जेंट जरूरत, केंद्रीय राज्य संबंधों को पहुंचाया जा रहा है नुकसान, उस राज्यों में अत्यधिक बाढ़ और कुछ में सूखे के कारण होने वाली प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव। सोनिया गांधी ने चिट्ठी में कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि रचनात्मक सहयोग की भावना से इन मुद्दों को आगामी विशेष सत्र में उठाया जाएगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि हम संसद के विशेष सत्र का बायकॉट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मौका है कि विपक्ष अपने मुद्दे उठाए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।